हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल अचीवर्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में एचटेट पीजीटी फिजिक्स 2022 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन चूज द इनकरेक्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो बेसिकली ये जो हमारा क्वेश्चन है भाई, ये हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे बेस्ड है, जहाँ पे आपको बुलियन पोस्टुलेट ध्यान में रखनी है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वाली। यानी कि अगर लेट्स से हम पढ़ते हैं यहाँ पे कि अगर किसी भी अगर इनपुट क्वांटिटी को अगर हम जीरो में ऐड करते हैं बाइनरी डिजिट में, तो हमारा सेम आंसर यहाँ पे एक ही वैल्यू रहेगी। अगर वन में अगर हम किसी भी इनपुट क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर हाई स्टेट में रहेगा। अगर मैं सेम को अगर सेम में ऐड करता हूँ क्वांटिटी का, तो आंसर सेम रहता है। ए प्लस ए का बार, यानी कि उसकी अगर वैल्यू को रिवर्स करके ऐड करूंगा तो आंसर मेरे पास यहाँ पे क्या है, वन रहने वाला है। मल्टीप्लीकेशन में क्या पढ़ते हैं, जीरो डॉट ए, आंसर मेरा जीरो रहेगा। वन अगर हायर स्टेट की अगर मैं ए से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरा यहाँ पे जो आंसर है भाई वो ए के बराबर रहेगा। ठीक है, ए डॉट ए की अगर मैं सेम की सेम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर सेम रहेगा। ए डॉट ए बार अगर वैल्यू रिवर्स करके मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे, जीरो। अगर मैं एक ही क्वांटिटी का अगर दो बार वैल्यू रिवर्स कर देता हूँ तो मेरे पास सेम वैल्यू निकल जाएगी। तो ये मेरे पास कुछ बेसिक बुलियन पोस्टुलेट है भाई। और यहाँ पे एक सबसे मेन चीज जो हम डिफाइन करते हैं, दैट इज डी मॉर्गन थ्योरम। तो वो स्टेटमेंट क्या देती है, लेट्स अगर मेरे पास ए प्लस बी का अगर बार है तो चेंज दी साइन एंड ब्रेक दी लाइन। अगर पूरे पे लाइन है तो लाइन टूट जाएगी ऐसे अलग अलग, और प्लस है तो डॉट लग जाएगा, और डॉट है तो हमारा क्या है, प्लस हो जाएगा। लेट्स अगर ए डॉट बी अगर मेरे पास है और इसके ऊपर पूरे के ऊपर बार है, तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी भाई, दैट इज ए डॉट की जगह प्लस, और इन दोनों के ऊपर अलग अलग बार आ जाएगा। अगर ए डॉट बी का अलग अलग बार है से, तो फिर हम क्या बनाएंगे अकॉर्डिंग टू, अब लाइन मेरी हाफ हाफ है तो लाइन अब मेरे पास क्या हो जाएगी, पूरी, और डॉट की जगह प्लस लग जाएगा इस तरीके से। तो ये मेरे पास जो मैंने आपको ऊपर ही बता रखी है चीज, इट मीन्स हमारा रिवर्स बनेगा। तो यहाँ पे हम हर एक ऑप्शन को सोल्व करेंगे ताकि आपको आगे के लिए चीज थोड़ी सी प्रिपेयर हो जाए। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए हमारा यहाँ पे क्या है, अगर मैं इस ऑप्शन को अगर एक्सपेंड करता हूँ, पी पी बार हो जाएगा प्लस पी क्यू आर की कंडीशन, तो ये जो मेरे पास वैल्यू ये आंसर देगी जीरो। तो पहले वाला ऑप्शन हमारा ठीक है। सेकंड हमारा ये भी हमारा ऑप्शन ठीक है, यहाँ पे क्या है देखो, क्यू आर है तो हम ऑप्शन के अंदर सबसे पहले अप्लाई करेंगे यहाँ पे, दैट इज हमारी डी मॉर्गन थ्योरम। तो एक मेरे पास इनपुट क्वांटिटी है पी क्यू का बार हो जाएगा, प्लस की जगह डॉट लग जाएगा भाई, आर के ऊपर बार पहले से था तो एक बार और लग जाएगा डी मॉर्गन थ्योरम के हिसाब से, तो आर का डबल बार हमें सेम वैल्यू देगा। तो क्यू R इंटू में R आ जाएगा मेरे पास बाहर, और अंदर मेरे पास बचेगा पी क्यू का बार। अब हम दोबारा से अब R डॉट R यहाँ से मैं सेम वैल्यू मिलेगी, तो इसको मैं सिंपल R रखूंगा तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू हो जाएगी क्यू आर, और अंदर हम एक बार और डी मॉर्गन थ्योरम लगा देंगे ऐसे करके, तो मेरे पास वैल्यू बचेगी दैट इज क्यू आर पी का बार प्लस क्यू क्यू बार इंटू में R। तो ये वाला आंसर भी मेरे पास क्या हो जाएगा, जीरो। तो अब जो बी सेकेंड वाला ऑप्शन ये भी मेरा ठीक है। फोर्थ जो नंबर ऑप्शन है ये भी इन्होंने ठीक दे रखा है। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है भाई, लेट्स से पी अगर मैं इस ऑप्शन में पी बार को बाहर निकाल लेता हूं तो अंदर बचेगा मेरा दैट इज क्यू प्लस आर, और पी इंटू में पी बार ये मेरा जीरो आंसर देगा, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये भी ऑप्शन ठीक है। थर्ड ऑप्शन में इन्होंने थोड़ा ऑप्शन गलत डिफाइन कर रखा है। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसमें से अगर आर को बाहर निकाल लेता हूँ तो अंदर वैल्यू बचेगी मेरे पास क्यू प्लस क्यू का बार, और क्यू प्लस क्यू का बार मेरे पास होती है वैल्यू वन, तो मेरे पास वैल्यू आएगी यहाँ से पी आर, बट ऑप्शन में इन्होंने पी क्यू डिफाइन कर रखा है, तो इट मीन्स जिसका ऑप्शन नंबर गलत है भाई वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, जो पोलराइजेशन ऑफ लाइट के ऊपर बेस्ड है। टू पोलराइड्स आर प्लेस्ड टूगेदर सच दैट देयर ट्रांसमिशन एक्सिस एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो दैट नो लाइट इज ट्रांसमिटेड। ए थर्ड पोलरॉइड इज इंसर्टेड बिटवीन देम जिसकी ट्रांसमिशन एक्सिस क्या है भाई, 45 डिग्री है दोनों के साथ में। द फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट अनपोलराइज्ड लाइट इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड बाय द थर्ड पोलरॉइड कितनी हमें बतानी है भाई, कि जो हमारे पास इंसिडेंट अनपोलराइज्ड लाइट है उसकी कितनी फ्रैक्शन में हमारी थर्ड पोलरॉइड से लाइट निकलेगी। तो बेसिकली स्टार्टिंग में इन्होंने जो क्या कंडीशन दे रखी भाई, मेरे पास ये दो पोलरॉइड है, लेट्स अगर इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस अगर ये ले रहा हूँ तो दूसरे की मेरे पास परपेंडिकुलर दे रखी, तो यहाँ से अगर हम लाइट पास करेंगे भाई तो लाइट मेरे पास पास नहीं होगी, ठीक है। अब हम इन दोनों के बीच में क्या करेंगे भाई, एक थर्ड पोलरॉइड लेके आते हैं जो हमारा 45 डिग्री पे अलाइंस्ड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, अनपोलराइज्ड लाइट मेरी पहले वाले पोलरॉइड से पास आउट करेगी,
तो यहाँ पे जो मेरे पास लाइट ट्रांसमिट करेगी भाई फर्स्ट पोलर से, उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी और ये पोलराइज लाइट हो जाएगी मेरे पास प्लेन पोलराइज्ड। फिर जब ये प्लेन पोलराइज लाइट मेरी सेकंड वाले पोलर से पास आउट करेगी तो इंटेंसिटी कितनी आएगी अकॉर्डिंग टू मेलस लॉ भाई, इंटेंसिटी मेरे पास स्टार्टिंग में इतनी है दैट इज कॉस स्क्वायर 45। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आएगी आई नॉट अपॉन टू, तो मेरे पास पहले से है, और कॉस स्क्वायर 45 की वैल्यू होती है मेरे पास 1/2, तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी आई नॉट अपॉन 4। फिर जब हमारे पास ये थर्ड पोलर से लाइट निकलेगी तो जो आई टू की वैल्यू रहेगी वो क्या हो जाएगी भाई आई वन कोस स्केल 45। तो आई वन की वैल्यू मेरे पास आई नॉट अपॉन 4 वैल्यू आई हुई है और कोस स्केल 45 की वैल्यू मेरे पास 1/2 है, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी आई नॉट अपॉन 8। इसको लिख सकता हूँ भाई आई नॉट अपॉन 2 की पावर 3 अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन, यानी कि मेरे पास इंसिडेंट जो लाइट है वो थी भाई आई नॉट इंटेंसिटी की, और पास आउट कितनी करी थर्ड से आई नॉट अपॉन 2 की पावर 3, इट मींस वो कितने फ्रैक्शन से पास करेगी भाई आई नॉट अपॉन 8 टाइम, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 मेरा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरा क्या है, ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस कैन डीके बाई टू डिफरेंट प्रोसेस, हाफ लाइफ पहले वाले प्रोसेस की T1 है, सेकंड वाले की T2 है, तो आपको इफेक्टिव हाफ लाइफ बतानी है। तो भाई इसका डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन हमारा 2020 में भी आई थिंक उसी से रिपीट क्वेश्चन है ही। ठीक है, तो इसका जो मेरे पास ऑप्शन रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3, इसको हम निकाल भी सकते हैं बट आगे के लिए आप इसको ध्यान में रखोगे, अगर कोई भी अगर मेरे पास रेडियो एक्टिव प्रोसेस अगर दो डिफरेंट उससे अगर डिके हुई है तो उसके लिए इफेक्टिव जो हाफ लाइफ का फॉर्मूला ये होता है, अगर फर्स्ट अगर लो ऑफ रेडियो एक्टिव डीके से अगर प्रोसेस को डिफाइन करें तो पहले वाली प्रोसेस के लिए डीके कॉन्स्टेंट की वैल्यू λ1 रहेगी, और सेकंड वाले के लिए जब हम डिफाइन करेंगे यहाँ से तो उसकी वैल्यू हो जाएगी λ2। दोनों प्रोसेस को अगर हम यहाँ पे कंबाइन करते हैं भाई इफेक्टिव के लिए तो मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दैट इज dn / d2 इज इक्वल टू λ1 + λ2, ये दोनों के डीके कॉन्स्टेंट यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, तो ये मेरे पास यहाँ पे इफेक्टिव वैल्यू रहेगी भाई डीके कॉन्स्टेंट की। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं λ1 + λ2, और डीके कॉन्स्टेंट का और हाफ लाइफ के बीच में हमारे पास रिलेशन रहता है दैट इज 0.693 डिवाइड बाई टी इफेक्टिव हो जाएगा, यहाँ से ये वैल्यू जाएगी 0.693 डिवाइड बाई T1 प्लस 0.693 डिवाइड बाई T2। इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व आउट करने के बाद मेरे पास ऑप्शन नंबर 3 ही इसका आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरा क्या बनेगा, वर्क डन इन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ ए शो फिल्म फ्रॉम दिस टू दिस, इन्होंने इतना टाइम दे रखा है तो आपके हमें सरफेस टेंशन का वैल्यू बतानी है। तो सरफेस टेंशन का वर्क डन के साथ में जो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 94 का जहाँ पे जो सॉल्यूशन बनेगा भाई कि लेट से अगर मेरे पास कोई शो बबल है, अगर हम उसका एरिया A1 से अगर A2 में एक्सपेंड करते हैं, इसकी डायमेंशन दे रखी है यहाँ पे दैट इज 10 सेंटीमीटर इंटू में 6 सेंटीमीटर की फॉर्म में, और यहाँ पे डिफाइन कर रखी है भाई 10 सेंटीमीटर से 11 सेंटीमीटर के बीच में, और इसको करने के लिए भाई इसको काम कितना करना पड़ा यहाँ पे दैट इज 3 × 10⁻⁴ जूल। तो यहाँ पे हमें आपको कंसेप्ट समझना है भाई कि शो बबल के अंदर हम दो सरफेस एरिया डिफाइन करते हैं, इनसाइड वाला और ये वाला, तो यहाँ पे जो मेरे पास सरफेस टेंशन लगेगी भाई दोनों सरफेस पे निकलेगी, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक में सरफेस एरिया चेंज निकालेंगे वो कितना जाएगा भाई दैट इज 1 1 10, यानी कि A2 में से मैं माइनस कर दूंगा यहाँ पे ये वाला, तो ये मेरे पास सेंटीमीटर स्क्वायर में वैल्यू रहेगी भाई एक सरफेस एरिया के लिए। तो टोटल अगर हमें सरफेस एरिया निकालना है सो बबल का तो 2 से मल्टीप्लाई में यहाँ पे और कर लूंगा, तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी भाई 2 × 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर दैट इज 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और इसको अगर मीटर में लिखेंगे तो ये जगह दैट इज 100 − 10⁻⁴, तो 10⁻²⁪ मीटर² मेरा एरिया चेंज हो गया सो बबल का। ठीक है, जब हम लोगों ने इसके ऊपर इतना काम किया तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चेंज इन एरिया, तो यहाँ से मेरे पास वर्क डन की वैल्यू आई है 3 × 10⁻⁴, एरिया चेंज हुआ 10⁻², तो यहाँ से मेरे पास जो इसका वैल्यू बनेगी वो आ जाएगी भाई दैट इज 3 × 10⁻²² न्यूटन पर मीटर, ये मेरा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 95 वाला जो मेरा क्वेश्चन है भाई ये मेरे से सोल्व आउट नहीं हुआ है इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया है। ठीक है, अगर आपसे बन जाता है तो आप मुझे पर्सनली सेंड भी कर सकते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या है, ये भी हमारा वही कंसेप्ट क्या है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, यानी एनर्जी डिफाइन कर रखी है भाई 3/2 × RT, इट मींस 1 मोल गैस के लिए भाई इन्होंने यहाँ पे इंटरनल एनर्जी को डिफाइन कर रखा है, इसकी वैल्यू इतनी होती है। ठीक है, तो आपके यहाँ पे CP की वैल्यू बतानी है, तो यहाँ पे हमें सिंपल मेस फॉर्मूले का यूज कर रहा है दैट इज CP − CV = R, तो यहाँ पे अगर हमें CV की वैल्यू को कैलकुलेट करना है भाई उसका मेरे पास फॉर्मूला दैट इज DU/DT, यानी कि जो इंटरनल एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू यानी कि स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम CV की वैल्यू हम ये डिफाइन करते हैं,
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दैट इज डी अपॉन डी टी। जब हम इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे भाई, तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू हो जाएगी दैट इज 3/2 इंटू में आर। तो मेरे पास सी पी की वैल्यू कितनी निकलेगी भाई, दैट इज आर प्लस 3/2 इंटू में आर। यहाँ से मेरे पास वैल्यू हो जाएगी 5/2 इंटू में आर। यानी कि सी पी की वैल्यू जो हम यहाँ से निकालेंगे भाई, ठीक है, दैट इज सी पी इज इक्वल टू आर प्लस सी वी। तो वैल्यू पुट करने के बाद जो मेरा आंसर निकलेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 96 का ऑप्शन नंबर 4। अल्ट्रासोनिक वेव वाला जो ये वाला क्वेश्चन है भाई, ये भी मेरे से मतलब हालांकि मैंने इसको फॉर्मूले से सोल्व करने की कोशिश की थी, बट मेरे पास एग्जैक्ट इसका आंसर नहीं निकला है। इस वीडियो में ये दो ही क्वेश्चन है जो मेरे से सोल्व नहीं हुए भाई, तो इसलिए गलत बताने की बजाय ये अच्छा है कि उसको स्किप कर दे, ठीक है, वरना इसकी थ्योरी लगा के अप्रोक्सीमेशन में अगर आंसर आ रहा है, बट इसका एग्जैक्ट वैल्यू मेरे से नहीं निकली, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया भाई। अगर आपसे ही क्वेश्चन बनता है तो आप मुझे बता सकते हो कि इसका एग्जैक्ट आंसर किस तरीके से सोल्व करना होता है, ठीक है, बट मेरे से नहीं हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे यहाँ पे क्या निकलेगा। ए मिली वोट ऑफ लाइट ऑफ वेव लेंथ, इतनी लाइट की हमारी जो इंसिडेंट लाइट है वो हमारी सीजियम सरफेस से स्ट्राइक कर रही है, अज्यूमिंग ए क्वांटम एफिशिएंसी 0.5%। तो आपको हमें बताना है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमारा कितना होगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या डिफाइन कर रखा है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे मेरे पास लाइट से कोई सीजियम सरफेस है, यहाँ पे मेरे पास लाइट इंसिडेंट कर रही है भाई इसके ऊपर, तो लाइट की इन्होंने जो वेवलेंथ दे रखी है दैट इज 1980 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, इंसिडेंट जो लाइट है उसकी यहाँ पे एनर्जी निकालेंगे एच म्यू से, या फिर क्या निकालते हैं दैट इज एच सी अपॉन लैम्डा। तो यहाँ से मेरे पास इंसिडेंट लाइट की एनर्जी कितनी निकलेगी, दैट इज 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 34, सी की वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर 8, और मेरे पास जो वेवलेंथ दे रखी है 1980 इंटू 10 की पावर माइनस का 10, ये ऊपर चला जाएगा भाई, कैंसिल आउट करेंगे तो सोल आउट करने के बाद जो मेरे पास इंसिडेंट लाइट है उसकी एनर्जी कितनी निकल के आएगी यहाँ से, दैट इज 10 की पावर माइनस का 18 जूल। जब हमारे पास इंसिडेंट लाइट इस सीजियम सरफेस पे स्ट्राइक करती है भाई, तो यहाँ पे हमारे पास दो प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले हमारी ये एनर्जी यूज होगी उस इलेक्ट्रॉन को सरफेस पे लेके आने के लिए, फ्री करने के लिए, उसके बाद फिर जो बची हुई एनर्जी भाई वो हमारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ये हमारा कंसेप्ट है। और जितने हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट होंगे सीजियम सरफेस से, उतना ही हमारा यहाँ पे क्या करंट बनता है। तो बेसिकली यहाँ पे अब आगे सोल्व करने के लिए उन्होंने पावर डिफाइन कर रखी है भाई, दैट इज 10 की पावर माइनस का 3 वोल्ट दे रखी है। एनर्जी मेरे पास कितनी है भाई यहाँ पे, दैट इज 10 की पावर माइनस का 18 जूल। तो यहाँ पे हम कंसेप्ट यूज करेंगे भाई कि पावर का जो मेरे पास फॉर्मूला होता है, दैट इज एनर्जी पर टाइम, ये मेरे पास वैल्यू रहती है कि लेट्स से कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ फोटोन हमारे कितने एमिट करेंगे, या फिर टोटल एनर्जी का जो मेरे पास कॉम्बिनेशन बनेगा कि भाई वो हो जाएगा एन से मल्टीप्लाई और कर देंगे। तो यहाँ से हम सबसे पहले नंबर ऑफ क्या है इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे पर सेकेंड में, तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू हो जाएगी दैट इज पी अपॉन टी। तो पावर इन्होंने डिफाइन करके 10 की पावर माइनस का 3, और मेरे पास इंसिडेंट लाइट की एनर्जी कितनी है 10 की पावर माइनस का 18, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा भाई दैट इज 10 की पावर 15 फोटोन मेरे एमिट होंगे पर सेकेंड। यानी कि जब हमारे पास 1980 एंगस्ट्रॉम की लाइट हमारी सीजियम सरफेस पे स्ट्राइक करती है, तो मेरे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट हो रहे हैं वो कितनी है 10 की पावर 15 फोटोन पर सेकेंड हो रही है। यानी कि अगर हमारे नंबर ऑफ फोटोन हमारे कितने स्ट्राइक कर रहे हैं इसके ऊपर 10 की पावर 15। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है भाई। अब हर एक का 10 की पावर 15 इलेक्ट्रॉन अगर पर सेकंड स्ट्राइक कर रहे हैं, तो उसमें से हमें एफिशिएंसी कितनी मिल रही है, इट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर उससे हमारे कितने एमिट करेंगे भाई, एफिशिएंसी डिफाइन कर रखी इन्होंने 0.5%। तो 10 की पावर 15 को मैं यहाँ पे भाई एफिशिएंसी निकालूंगा, दैट इज 0.5 डिवाइड बाई 100%। तो यहाँ से जो मेरे पास एफिशिएंसी निकल के आएगी वो निकल के आएगी भाई, दैट इज 0.5 इंटू 10 की पावर 13 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड वो एमिट कर रहा है। इट मीन्स यानी कि सीजियम सरफेस पे जो हम लोगों ने यहाँ पे फोटोन निकाल लिए भाई कि पर सेकंड 10 की पावर 15 फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं, और स्ट्राइक करने के बाद एफिशिएंसी कितनी आ रही है, यानी कि 10 की पावर 13, यानी कि 0.5 इंटू 10 की पावर 13 जो मेरे इलेक्ट्रॉन है वो पर सेकंड एमिट कर रहे हैं, तो करंट की वैल्यू कितनी होगी। तो मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए हैं भाई, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एमिट कर रहे हैं दैट इज 0.5 इंटू 10 की पावर 13, ठीक है, और हर एक पे चार्ज मेरा कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। तो यहाँ से मेरे पास करंट की वैल्यू कितनी आएगी भाई, दैट इज 0.8 माइक्रो एम्पियर। तो डायरेक्ट हम यूज करेंगे, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट मैंने आपको पूरा समझा दिया है कि हम लोगों ने किस तरीके से सॉल्व किया है। तो यहाँ पे मेरे पास जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो लिबरेट होगा
0.5% की एफिशिएंसी से उसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी भाई, दैट इज 98 का मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 0.8 माइक्रो एम्पियर करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरा पे क्या है भाई, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल्स टू स्टेटमेंट दे रखी है भाई। तो एक्चुअली जो मेरा मीन फ्री पाथ होता है भाई, वो हमारी एवरेज डिस्टेंस होती है जो हमारा पार्टिकल ट्रेवल करता है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमारा ये बना है, तो वहाँ पे जो हम हमारा फॉर्मूला ड्राइव करते हैं इसके लिए लैम्डा मीन फ्री पाथ की वैल्यू कितनी रहेगी भाई, दैट इज 1/√2π d² इंटू में एन रहता है। तो बेसिकली जो डी हमारे यहाँ पे है भाई, वो डिफाइन करते हैं डायमीटर, ठीक है, ऑफ मॉलिक्यूल्स, पर एन हमारे यहाँ पे रहता है, दैट इज नंबर डेंसिटी। इट मींस मेरे यहाँ पे नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पर यूनिट वॉल्यूम कितने रहते हैं। अब हमें ऑप्शन देख के बताना है अभी दोनों ऑप्शन की स्टेटमेंट ठीक है या गलत है। द मीन फ्री पाथ ऑफ ए मॉलिक्यूल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि स्मॉल एन पे डिपेंड करते हैं और क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करते हैं, यानी कि मीन फ्री पाथ हमारा भी इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर पहले वाला ठीक है। द मीन फ्री पाथ ऑफ ए मॉलिक्यूल इन ए गैस इंक्रीज करेगा और नंबर ऑफ कोलिजन पर वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे जब हम प्रेशर को लोअर करते हैं। तो बेसिकली इसको भी निकालने का भाई मेरे पास फॉर्मूला है, हम लोग यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ते हैं, दैट इज पीवी इज इक्वल टू एनकेबीटी की फॉर्म में, ठीक है। अगर मैं यहाँ से प्रेशर निकालता हूँ भाई, हालांकि पूरा डेरिवेशन, लेकिन मेन कंसेप्ट क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम इंटू में क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे केबीटी की वैल्यू, और इसको मैं लिख सकता हूँ स्मॉल एन, जो हम लोगों ने नंबर डेंसिटी डिफाइन की एनकेबीटी की फॉर्म में। तो यहाँ से मेरे पास जो स्मॉल एन की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी भाई, दैट इज पी अपॉन एन के बी टी की फॉर्म में। इस इक्वेशन को भाई मैं इक्वेशन नंबर टू को मैं इक्वेशन नंबर वन में पुट करूंगा, तो मेरे पास जो मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा भाई, दैट इज √2π d² पी अपॉन के बी टी की फॉर्म में आ जाएगा। तो मीन फ्री पाथ देख लो भाई, हमारा टेम्परेचर और प्रेशर के फॉर्म में इस तरीके से है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन अगर हमारा प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज करेगा, तो भाई इन्होंने बोला है कि जो नंबर ऑफ कोलिजन हो जाएंगे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के वो कम हो जाएंगे, और जो मेरा लैम्डा की वैल्यू है भाई वो इंक्रीज कर जाएगी यहाँ से। तो इट मीन जो मेरे पास सेकंड स्टेटमेंट है कि प्रेशर लोअर करने से नंबर ऑफ कोलिजन भाई ऑब्वियसली बात है कम होंगे, तभी तो उनके बीच में जो डिस्टेंस बढ़ जाएगी ना, तो मीन फ्री पाथ की वैल्यू अभी इंक्रीज कर जाएगी प्रेशर डिक्रीज करने से। तो ये वाली भी मेरे पास स्टेटमेंट ठीक है, इट मीन्स मेरे पास जिसका ऑप्शन रहेगा दैट इज 99 का ऑप्शन नंबर वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा भी क्या बनेगा भाई, ए थिक रोप ऑफ लेंथ एल इज हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ ए रूम इफ वाई एंड यंग मॉडुलस, और भाई यहाँ पे डेंसिटी डिफाइन कर रखी है, तो आपको बताना है कि भाई खुद की वेट की वजह से उसके अंदर कितना यहाँ पे क्या है एलोंगेशन की चेंज इन लेंथ आने वाला है। हालांकि इसको सोल्व करने के भाई दो तरीके हैं, तो सिस्टमेटिक जो मेरे पास तरीका है वो क्या है भाई, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक मिनट जाइए, क्वेश्चन नंबर 100 के लिए क्या करेंगे भाई, कोई भी हम लोग एक रोप अज्यूम कर लेंगे भाई, जिसका लेट से लेंथ यहाँ पे हम कितनी लेके चल रहे हैं, एल लेके चल रहे हैं, थोड़ी सी बड़ी ले लेते हैं थोड़ा सा इजनी में, कि लेट से मेरे पास ये रोप है भाई, ठीक है, जिसकी यहाँ पे जो उन्होंने लेंथ डिफाइन की है उसकी वैल्यू दे रखी है भाई, दैट इज एल। अब इन्होंने बोला है कि खुद के वेट की वजह से इसके अंदर कितना अलोंगेशन यहाँ पे आने वाला है, तो बेसिकली इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे भाई, इसकी जहाँ से इन्होंने सस्पेंडेड कर रखी है वहां से हम एक वाई डिस्टेंस दूर एक एलिमेंट को कंसीडर कर लेंगे भाई, लेट्स सी डीवाई एलिमेंट है जो मेरा इस रोप से वाई डिस्टेंस दूर है। तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले हम यहाँ पे इस एलिमेंट के लिए स्ट्रेस की वैल्यू को डिफाइन करेंगे, ठीक है, तो स्ट्रेस का मेरे पास फॉर्मूला था दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे बेस करंट जो एलिमेंट हमने माना है जो डीवाई, तो इसका यहाँ पे फोर्स कितनी लगेगी, जितना इसका वेट होगा, तो वेट के लिए भाई दैट इज डीएम इनटू में जी, ये मेरा वेट हो जाएगा डिवाइड बाय इसका एरिया। अब हम मास को भी यहाँ पे डेंसिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मास अपॉन वॉल्यूम मेरा यहाँ पे रहता है, इट मीन्स मेरे पास क्या बनेगी, डेंसिटी जो इसकी है, ठीक है, जो उन्होंने डिफाइन कर रखी है, और वॉल्यूम के लिए मैं क्या लिखूंगा, एरिया इंटू में जो इसकी हम लोगों ने लेंथ ली है ए वाई इंटू में जी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे ए की वैल्यू आ जाएगी। तो ये मेरे पास कंसेप्ट बनेगा, ए से ए मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो स्ट्रेस की वैल्यू जो इस एलिमेंट की वजह से आई, दैट इज डेंसिटी डीवाई इंटू में जी, दिस इज ऑप्शन मतलब इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी मेरे पास वन। फिर हम लोग यहाँ पे स्ट्रेस डिफाइन करेंगे भाई, कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए जो मेरे पास स्ट्रेन की वैल्यू रहेगी वो मेरे पास क्या रहती है, दैट इज डेल्टा एल अपॉन टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ हमारे पास यहाँ पे कितनी है इसकी एल। अब हम लोग यहाँ पे यंग मॉडुलस को डिफाइन करेंगे, तो यंग मॉडुलस का मेरे पास जो फॉर्मूला होता है दैट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रहेगा भाई, ठीक है,
तो इस एलिमेंट के लिए मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज रो डी वाई जी डिवाइड बाई डेल्टा एल अपॉन एल की कंडीशन हो जाएगी। तो अगर हमें अलोंगेशन निकालनी है भाई यहाँ पे, तो डेल्टा एल की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी यहाँ से, दैट इज रो जी, ये एल हमारा ऊपर चला जाएगा, वाई मेरा जाएगा नीचे, इनटू में वैल्यू बचेगी मेरे पास यहाँ पे वाई की कंडीशन। ठीक है, तो इस सिचुएशन के लिए भाई टोटल लेंथ की वैल्यू तो मेरे पास एल है, लेकिन इस अगर एलिमेंट के लिए डिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को वाई डिफाइन करेंगे यहाँ, क्योंकि हमें इसको इंटीग्रेट करना है यहाँ पे, तो मेरे पास वाई वैल्यू आएगी, तो ये हो जाएगी मेरे पास दैट इज वाई इंटू में डी वाई। अगर टोटल निकालनी भाई अलोंगेशन कितनी आएगी, कहाँ से जीरो से लेके एल तक, इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे क्या इंटीग्रेट करेंगे, दैट इज डेंसिटी है मेरे पास जी इंटू में वाई, तो मेरे पास कॉन्स्टेंट है, तो मेरे पास आ जाएगी वाई इंटू में डी वाई, इसको इंटीग्रेट करेंगे दैट इज डेंसिटी जी वाई आ जाएगा मेरे पास बाहर, वाई स्केयर अपॉन टू की कंडीशन बनेगी यहाँ से, तो जीरो टू एल मेरे पास वैल्यू आएगी, वैल्यू पुट करेंगे दैट इज डेंसिटी जी एल स्केयर डिवाइड बाई टू वाई, तो यानी कि अपने वेट की वजह से यहाँ पे जो इसकी वैल्यू अलोंगेट आई है भाई, उसकी वैल्यू मेरे पास कितने निकलेगी यहाँ से, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 90 100 वाला जो क्वेश्चन है, तो इसके लिए मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये। तो बेसिकली जो हमारा प्योर कंसेप्ट है तो भाई यही है कि इंटीग्रेट करके किसी भी एलिमेंट की वजह से फिर हम टोटल लेंथ के लिए वैल्यू निकालते हैं। बट इन्होंने बोला एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा यहाँ पे क्या है, ए पुलिस मैन ऑन ड्यूटी डिटेक्ट ए चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ हॉर्न ऑफ ए मूविंग कार इन द रेशियो 7:5 एज इट क्रॉसिज हिम, अगर वेलोसिटी ऑफ साउंड 330 मीटर पर सेकंड है तो आपको बताना है स्पीड ऑफ कार यहाँ पे कितनी होगी। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये साउंड का जो डॉपलर इफेक्ट है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो वहां पे हम लोग पढ़ते हैं भाई कि जो किसी भी सोर्स से जो हमारी साउंड की फ्रीक्वेंसी किसी भी ऑब्जर्वर तक मिलती है तो उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कम या ज्यादा मिलती है। तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है भाई, दैट इज वी प्लस माइनस वी नोट डिवाइड बाई वी प्लस माइनस वी एस इंटू में ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी रहती है। यहाँ पे जो मेरा वी नोट है भाई ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर हमारी कितनी होती है, एंड वी एस जो हम इस क्वेश्चन में निकालना है दैट इज वेलोसिटी ऑफ सोर्स कितनी रहेगी यहाँ पे, और वी रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे दैट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पुलिस मैन है हमारा जो, ये रेस्ट पोजिशन पे दे रखा है। अब इसको एक मूविंग कार अप्रोच कर रही है, जब ये इसके अप्रोच करेगी और जब इसको अप्रोच करके बाहर निकल जाएगी, इट मीन्स क्रॉस करने के बाद निकलेगी, तो F1 फ्रीक्वेंसी और F2 फ्रीक्वेंसी इन दोनों का रेशो डिफाइन कर रखा है 7:5। तो आपको बताना है कि यहाँ पे जो एक कार है उस कार की कितनी वेलोसिटी होगी। तो बेसिकली हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले डॉपलर इफेक्ट का यूज करके F1 एंड F2 की वैल्यू निकालेंगे और फिर इन दोनों का रेशो ले लेंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। तो अगर F1 वेलोसिटी यानी कि जब हमारा सोर्स पुलिसमैन को अप्रोच करेगा तो उसको अपेरेंट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। तो यहाँ पे अगर F1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूले में V, अब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर हमारी जीरो है तो V माइनस का क्या हो जाएगा, अब अप्रोच कर रहा है हमारे पास सोर्स, तो ये मेरे पास कंडीशन होगी। इट मीन्स पुलिसमैन को जो साउंड सुनाई देगी उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी। सेकेंड कंडीशन हमारे पास क्या है, F2, तो F2 कंडीशन में जब वो उसे दूर जाएगा तो उसमें हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी भाई, अपेरेंट एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से कम हो जाएगी। ये मेरे पास कंडीशन दे रखी है यहाँ पे। अब इन दोनों का जो इन्होंने रेशो डिफाइन कर रखा है दोनों को डिवाइड करके इसको मैं 7:5 में डिवाइड करना है और सोल्व करना है जिससे मैं वेलोसिटी ऑफ सोर्स पता लग जाए, यानी कि वेलोसिटी ऑफ कार निकालनी है यहाँ पे। तो भाई एफ नोट से मेरा एफ नोट कैंसिल आउट हो जाएगा, वी से वी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो वी प्लस वी एस ये ऊपर चला जाएगा एंड वी माइनस का वी एस ये नीचे आ जाएगा भाई, ये बराबर हो जाएगा मेरे पास 7/5। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम वेलोसिटी ऑफ सोर्स यानी कि वेलोसिटी ऑफ कार की वैल्यू निकालेंगे, तो ये मेरे पास हो जाएगा दैट इज 5v प्लस 5vs इज इक्वल टू 7v माइनस का 7vs, तो ये हो जाएगा दैट इज 12vs इज इक्वल टू 2v। तो यहाँ से मेरे पास वेलोसिटी ऑफ सोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, दैट इज 2v अपॉन 12, इट मींस v अपॉन 6, और मेरे पास जो वेलोसिटी ऑफ साउंड दे रखी है भाई क्वेश्चन में 330 डिवाइड बाई 6, कैंसिल आउट करेंगे तो कैंसिल आउट करने के बाद जो वेलोसिटी ऑफ कार मेरे पास होगी दैट इज 101 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या है, इफ पी आइडेंटिकल वेव ईच ऑफ इंटेंसिटी आई इंटरफेयर विद ईच अदर, तो आपको बताना है रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी जब हमारा इंटरफेरेंस कोहरेंट होगा और इनकोहरेंट होगा। तो बेसिकली ये जो हमारा क्वेश्चन है भाई ये हमारा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बेस पे क्वेश्चन है। तो वहां पे हम लोग पढ़ते थे 102 का
कि लेट्स अगर पी पॉइंट पे अगर हमारे किसी दो सोर्स से लाइट पहुंच रही है, अगर ये आउट ऑफ फेज आ रही है या फेज आ रही है, जब दोनों वेव आपस में सुपर इम्पोज करती है तो पी पे हमें कंडीशन मिलेगी भाई कि यहाँ पे हमें ब्राइट मैक्सिमम मिलेगा या हमें मतलब मिनिमम मिलने वाला है। तो उसके लिए जब हम थ्योरी पढ़ते हैं कि लेट्स अगर एक हमारे पास सोर्स एस वन है, अगर वहाँ से मेरे पास कोई भी वेव है जिसके लेट से उस वेव का जो एम्पलीट्यूड मैं ए लेके चल रहा हूँ और सेकंड वाले का भाई क्या है हम बी लेके चलते हैं, तो हम लोगों ने इंटरफेरेंस की थ्योरी पढ़ी हुई है कि पी पॉइंट पर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू निकलती है वो निकलती है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी कोस फाई। तो कोस फाई रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे फेज कि वो आउट ऑफ फेज आ रहे हैं या सेम फेज में आ रहे हैं, उस हिसाब से हमारे पास रिजल्टेंट निकालते हैं। और जो हम इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनाते हैं भाई, क्योंकि हमें पता है अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी जो इंटेंसिटी रहती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे रहती है, तो यहाँ से जो मेरे पास फॉर्मूला बनता है भाई वो हो जाएगा दैट इज इंटेंसिटी का दैट इज रूट आई ए प्लस रूट आई बी प्लस टू रूट आई ए आई बी कोस फाई। ये मेरे पास जनरल दो फॉर्मूले होते हैं भाई, ठीक है। अब यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे कि जब दोनों सोर्स अगर सेम फेज में अगर आते हैं, यानी कि क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर और ट्रफ ट्रफ के ऊपर अगर फॉल करता है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन में मेरे पास जो कोस फाई की वैल्यू रहती है वो रहेगी वन। तो यहाँ से मेरे पास जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा वो ए प्लस बी हो जाएगा अभी, और जो मेरे पास इंटेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे निकलता है वो निकलता है रूट आई ए प्लस रूट आई बी का स्केयर। ये मेरे पास फॉर्मूला बन जाता है। और जब हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की यहाँ पे बात करते हैं भाई, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कोस फाई की वैल्यू जाएगी यहाँ पे मेरे पास माइनस का वन, जैसे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकलेगा ए माइनस का बी और इंटेंसिटी में ये वैल्यू हो जाती है भाई दैट इज रूट आई ए माइनस का। ये मेरे पास मतलब बेसिक कंसेप्ट है भाई जो हम जहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है। अगर दोनों में अगर हम इंटरफेरेंस में बात करते हैं तो दोनों का जो वेव का अगर एम्पलीट्यूड बराबर है तो इट मीन्स इस कंडीशन में मेरे पास ये टू ए आएगा, और जब इसकी वैल्यू निकालेंगे भी दैट इज टू रूट आई नोट का स्क्वायर बन जाएगा ये। इट मीन्स भाई ये हो जाएगा दैट इज टू का स्क्वायर इनटू में आई नोट और इसको लिखेंगे फोर आई नोट, और यहाँ पे मेरे पास जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू भी जीरो जाती है और इंटेंसिटी की वैल्यू भी यहाँ पे हमें क्या है जीरो मिलती है। अब क्वेश्चन में इन्होंने क्या दे रखा, अगर हमारे पास अगर हम यहाँ से देखें भाई, अगर मेरे पास दो सोर्स हैं कोहेरेंट सोर्सेज, तो आफ्टर मैक्सिमम जो मेरे पास इंटेंसिटी निकलती है दो सोर्सेज के लिए टू का स्क्वायर है इनटू में एक वेव की जो इंटेंसिटी दे रखी है। अगर मेरे पास अगर एन सोर्स अगर हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम लोग भी पी सोर्स अगर मान के चलते हैं तो वहां पे मेरे पास एन कोहेरेंट सोर्सेज की वजह से जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी भाई वो हो जाएगा पी स्क्वायर इनटू में आई नोट, ये कंडीशन बनेगी। या फिर इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं भाई, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा एन यानी कि पी रूट आई नोट का स्क्वायर, तो यहाँ से मेरे पास एन कोहेरेंट सोर्सेज के लिए जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी की लाइट होगी वो ये होगी। अगर हम लोग यहाँ पे भाई कंडीशन लेते हैं इनकोहरेंट की, तो इनकोहरेंट के अंदर ऐसा नहीं होगा, तो टोटल इंटेंसिटी पी सोर्सेज के लिए मेरे पास बनेगी पी नोट की कंडीशन। तो जब दोनों को यहाँ पे डिवाइड करेंगे भाई तो मैक्सिमम जो इन दोनों का रेशियो बनेगा वो क्या हो जाएगा मेरे पास पी की कंडीशन, ठीक है। यानी कि एक से मेरे पास जो एक्सप्रेशन आया वो आया भाई पी स्क्वायर आई नोट, और सेकेंड वाले से मेरे पास बना है भाई इनकोहरेंट की वजह से ये कंडीशन बन जाएगी यहाँ से, तो यहाँ पे मेरे पास रेशियो आएगा दैट इज पी के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा पे क्या बनेगा, एक मिनट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है भाई वो हमारा डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर पे बेस्ड है कि 4N अनडैम्प्ड ऑसिलेटर क्वालिटी फैक्टर एंड रिलैक्सेशन टाइम इनमें से कितना रहने वाला है, तो इसकी हमें थोड़ी सी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी डिटेल के लिए भाई। हालांकि इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर सी है, बट वो आया कैसे है उसके लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था भाई कि जो हमारे ऑसिलेशन होते हैं फ्री ऑसिलेशन होता है डैम्प्ड होता है और फोर्स ऑसिलेशन होता है, तो वहां पे हम लोग सिंपल जब हम SHM को डिफाइन करते हैं तो F इज इक्वल टू माइनस की Kx की फॉर्म में डिफाइन करते हैं, बट एक्चुअल सिचुएशन में हम पढ़ते हैं डैम्प्ड के अंदर अब कि रियल में हमारा ऐसा नहीं होगा कि हमारी कुछ रेसिस्टिव फोर्स लाइक से फ्रिक्शन वगैरह जब हमारी वेलोसिटी और बॉब की मूवमेंट होती है तो जो हमारी रेजिस्टिव फोर्स है यानी कि एयर फोर्स है उस टाइम के बाद जो हमारा ऑसिलेटर है वही वो रुक जाएगा। तो उस चीज को सोल्व करने के लिए फिर हम लोग यहाँ पे डैम्पिंग फोर्स डिफाइन करते हैं कि वो फोर्स वेलोसिटी वॉब के प्रोपोर्शनल रहती है। यहाँ से सोल्व करने के बाद मेरे पास वैल्यू आती है ये बी, मेरा यहाँ पे कॉन्स्टेंट पॉजिटिव वैल्यू होती है बट ये रेसिस्टिव फोर्स में हम नेगेटिव यूज करते हैं, तो मेरे पास जो टोटल डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन बनती है माइनस का एफ एक्स माइनस का बी वी, तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी भाई दैट इज एफ प्लस बी वी प्लस
एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये मेरे पास कंडीशन बनती है। अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे भाई यहाँ पे, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे थ्योरी पढ़ते हैं उस चीज की, तो इसको अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूँ, दैट इज एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ डी टी स्क्वायर प्लस बी डी एक्स अपॉन डी टी, और ये लिख सकता हूँ यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी भाई, जब हम इसको डिफाइन करेंगे एफ इज इक्वल टू के एक्स की फॉर्म में, दैट इज के एक्स इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे इस m को भी नीचे ले आएंगे, भी ऐसे करके बनाएंगे इसको, ठीक है। तो m यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 11th क्लास में है इसका डेरिवेशन एग्जैक्टली सोल्व करते नहीं है, तो वहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, बट BSc में इसका जो है ना कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं भाई, बी अपॉन एम की जो क्वांटिटी है इसको हम लोग यहाँ पे क्या है 2 गामा की फॉर्म में लेट करते हैं, और जो मेरा के अपॉन एम है उसको हम यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, यानी कि जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम पहले निकाल चुके हैं उसके बराबर पुट करके इसको हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो हम सॉल्यूशन डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे, तो जो मेनली मेरा कंसेप्ट बन रहा है मैं आपको वो समझाऊंगा भाई कि एग्जैक्टली उन्होंने पूछा क्या है। तो यहाँ से मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी, दैट इज डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट प्लस 2 गामा डी एक्स अपॉन डी टी, गामा मतलब कोई भी कॉन्स्टेंट है भाई, दैट इज ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो जब हम वहाँ पे इसको सोल्व करते हैं तो सोल्व आउट करने के बाद जो मेरे पास एग्जैक्टली फाइनल रिजल्ट मिलता है डिस्प्लेसमेंट का वो निकल के आता है, दैट इज ए ए की पावर माइनस का गामा टी दैट इज साइन ओमेगा डैश टी प्लस फाइव, ये मेरे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकलता है। और जब हम एनर्जी का एक्सप्रेशन वहां पे निकालते हैं भाई, तो एनर्जी का एक्सप्रेशन भी मेरे पास दैट इज ई नोट माइनस का 2 गामा टी निकलता है, और ई नोट की वैल्यू दैट इज 1/2 के ए स्क्वायर ए की पावर माइनस का 2 गामा टी, ये मेरे पास फाइनली रिजल्ट निकल के आता है भाई वहां पे, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या चीज सिग्निफाई कर रहे हैं कि जो हमारा टाइम के साथ में जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज कर रहा है, और वैसे ही जो मेरे पास एनर्जी है वो भी एक्सपोनेंशियली फॉर्म में डिक्रीज करती है। तो यहाँ पे हम दो चीजें डिफाइन करेंगे भाई, तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम को हम यहाँ पे टाउ से डिनोट करेंगे, यानी कि रिलैक्सेशन टाइम हमारा वो है भाई डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेटर में जिसमें जो उसकी टोटल एनर्जी है वो 1/e टाइम कम हो जाती है, उस टाइम पीरियड को हम रिलैक्सेशन टाइम डिफाइन करते हैं। तो जब हम इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू को प्लेस करेंगे दैट इज ई नोट अपॉन टी, तो यहाँ से मेरे पास बनेगा भाई दैट इज ई नोट माइनस का 2 गामा, और टी को मैं डिफाइन कर दूंगा टाउ, तो ये मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा भाई यहाँ से, दैट इज ई की पावर माइनस का 1 इज इक्वल टू ई माइनस का 2 गामा टी, ठीक है। इसको सोल्व आउट करने के बाद एक मिनट चाहिए, थोड़ा सा भी मेरा ये हैंग हो रहा है। तो यहाँ से देखिए मेरे पास माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 2 गामा टाउ, तो यहाँ से मेरे पास जो रिलैक्सेशन टाइम का फॉर्मूला निकलता है भाई वो इस कॉन्स्टेंट के बराबर आता है। तो ये तो मेरे पास क्या है भाई, यानी कि वो टाइम जिसमें हमारी टोटल मैकेनिकल एनर्जी 1/e टाइम हो जाती है उसकी ओरिजिनल वैल्यू से, वो हमारा रिलैक्सेशन टाइम होता है। और सेकंड हम डिफाइन करते हैं भाई यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर, तो क्वालिटी फैक्टर हमारा बेसिकली मेजरमेंट करता है भाई रेट ऑफ एनर्जी लॉस हमारा सिस्टम में कितना है। तो क्वालिटी फैक्टर को निकालने का मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला था, दैट इज 2π एनर्जी हमारी कितनी स्टोर्ड है सिस्टम में, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन सिस्टम डिवाइड करेंगे भाई इसको यहाँ पे, दैट इज एनर्जी लॉस पर सेकेंड, ये मेरे पास फॉर्मूला रहता है भाई यहाँ पे। हालांकि भाई इसको अगर मैं ऊपर से कवर करवाता था तो फिर आपको इतना एग्जैक्टली समझ में आता नहीं। फिर अब इसको भी जब हम डिराइव करते हैं आगे, दैट इज 2π अपॉन, यानी कि फाइनल जब करते हैं भाई, दैट इज ई अपॉन पावर लॉस इंटू में यहाँ पे मेरा टाइम आता है। पावर लॉस का भी फॉर्मूला जब हम निकालते हैं एनर्जी का, ये मेरे पास बराबर रहता है। जब हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, दैट इज 2π e डिवाइड बाई ई इंटू में टाउ चला गया मेरे पास ऊपर, कैंसिल आउट, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड 2π अपॉन जो ये मेरा टाइम है उसको मैं लिख दूंगा भैया फ्रीक्वेंसी इंटू में टाइम। तो मेनली जो हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है अभी एक मिनट चाहिए, तो क्वालिटी फैक्टर का जो रिलेशन आ गया है रिलैक्सेशन टाइम, दैट इज ओमेगा इंटू में टाइम, और ओमेगा की वैल्यू हम ऊपर मान गए थे, दैट इज √KM/time, ये मेनली मेरा पास कंसेप्ट निकल के आता है इस क्वेश्चन में। अब इन्होंने बोला है कि जो क्वालिटी फैक्टर है वो मेजरमेंट करता है कि किसी भी सिस्टम में हमारी कितनी एनर्जी लॉस हो रही है। अगर मेरे पास क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी, इट मींस उसमें जो हमारा लॉस है भाई वो उतना ही कम हो रहा है। इट मींस अगर उतना हमारा कम हो रहा है तो मेरा एनर्जी लॉस कम होगा, तो वहां पे मेरा जो ऑसिलेशन है वो हमारे ज्यादा टाइम तक चलेंगे। इट मींस जो मेरा ऑसिलेशन है वो बहुत लंबे टाइम चलने के बाद खत्म होंगे, ठीक है। तो इस कंसेप्ट से जो हमारा क्वेश्चन बनेगा, हम चाहते नहीं ना कि भाई हमारा जो ऑसिलेशन है वो एकदम खत्म हो जाए, तो क्वालिटी फैक्टर हमारा यहाँ पे कितना रहेगा भाई, इनफिनिट की कंडीशन रहेगी,
ठीक है, अगर इनफाइनाइट की कंडीशन है तो ऑब्वियस ही बात है भाई, एनर्जी को ई नॉट अपॉन टाइम आने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उस कंडीशन में जो मेरा रिलैक्सेशन टाइम होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पे, जीरो। तो पूरा डेरिवेशन करने के बाद आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है भाई। तो मेरा ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में करवा दिया ये ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर रहे, अगर अगर कभी क्वेश्चन आता है तो आप डिस्प्लेसमेंट के लिए दोनों इक्वेशन का यूज करोगे। ठीक है, पहले भी क्वेश्चन आया हुआ इसके ऊपर भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा पे क्या बनेगा, द प्रेशर इन साइड ए टायर इज 4 times दैट ऑफ द एटमोसफियर इफ द टायर ब्रश सडनली एट ए टेम्परेचर 300 केल्विन, तो आपको नया टेम्परेचर बताना है। तो बेसिकली जब कोई चीज हमारी भाई क्या है ब्रस्ट या एक्सप्लोरेशन में जाती है तो वो जो मेरे पास कंडीशन रहती है वो एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर आती है, यानी कि ये जो मेरे पास इक्वेशन यानी कि जो क्वेश्चन है भाई ये थर्मोडाइनमिक्स में एडियाबेटिक प्रोसेस के ऊपर है। तो वहाँ पे हम लोगों ने 3 equations पढ़ी है भाई, पी वी गामा इज इक्वल टू मेरे पास कॉन्स्टेंट रहता है, दूसरा हम डिफाइन करते हैं टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट की कंडीशन रहती है, और थर्ड इक्वेशन डिफाइन करते हैं टी की पावर गामा डिवाइड बाई टी गामा -1, या फिर लिख सकते हैं इसको टी गामा पी की पावर 1 - गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये मेरे पास कंडीशन रहती है भाई यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे हमें अब एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर यहाँ पे सिर्फ उन्होंने प्रेशर डिफाइन कर रखा है और टेम्परेचर की कंडीशन ले रखी है, इट मीन्स हमें एडियाबेटिक प्रोसेस में ये वाली इक्वेशन यूज करके हमें अपना आंसर निकालना है। तो इसका जो इनिशियल टेम्परेचर है भाई, जो हमारा प्रेशर इनसाइड है टायर के, वो एटमोसफियर प्रेशर के 4 times है, तो जब वो ब्रस्ट करेगा तो उसका नया टेम्परेचर कितना रहने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम कंडीशन दिखाएंगे दैट इज T1 गामा मेरा पे एडियाबेटिक इंडेक्स को डिफाइन करता है भाई, जिसकी वैल्यू मेरे पास रहती है दैट इज CP/CV की कंडीशन, और ये हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं भाई कि एयर के लिए कितनी रहती है, मोनोटोमिक डायटोमिक के लिए, तो आपको वो चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी एक दो चीज़ें। ठीक है, तो P1 1 का गामा इज इक्वल टू हो जाएगा दैट इज T2 P2 1 का गामा, और ये हो जाएगा जैसे मेरे पास T2/T1, हमें T2 की वैल्यू निकालनी हो जाएगी, गामा इज इक्वल टू दैट इज मेरे पास क्या कंडीशन बनेगी P1/P2, और ये हो जाएगा मेरे पास 1 का गामा। तो यहाँ से हमें इसको सोल्व करना है भाई अभी, तो यहाँ से मेरे पास क्या वैल्यू निकल के आएगी, तो T1 की वैल्यू उन्होंने 300 केल्विन डिफाइन कर रखी है, तो अगर मैं इस गामा को यहाँ से हटा के अगर इस साइड लेके जाता हूँ तो ये कंडीशन हो जाएगी मेरे पास। ठीक है, तो अगर T1 अगर इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है भाई, 300 केल्विन है, प्रेशर की वैल्यू मेरे पास इन्होंने डिफाइन कर रखी है भाई, टायर के अंदर जो प्रेशर है वो एटमोस्फेरिक प्रेशर का 4 times है, तो अगर P2 की वैल्यू मेरे पास P0 है तो ये वाली कंडीशन मेरे पास कितनी बनेगी भाई, दैट इज 4P0। बस हमें इसकी वैल्यू को पुट करना है और सोल्व करना है, तो T2 की वैल्यू जो मेरे पास आएगी वो जाएगी भाई दैट इज 300, तो कितना जाएगा भाई यहाँ पे दैट इज 4, इसकी पावर कितनी बनेगी दैट इज 1 का गामा डिवाइड बाई दिस। अब एयर के लिए जो भाई जो मेरे पास एडियाबेटिक इंडेक्स का जो मेरे पास वैल्यू होती है वो हम कितनी डिफाइन करते हैं, दैट इज 1.4 लेते हैं। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट आंसर उठा लिया भाई वहाँ से, तो इसकी वैल्यू को लिखेंगे 7/5, इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे और मेरा आंसर निकाल लेंगे भाई यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आंसर निकल के आएगा इसका, दैट इज T2 इज इक्वल टू 300, 4 की वैल्यू क्या बनेगी भाई, दैट इज 1 - 7/5 डिवाइड बाई 7/5, तो ऊपर से वैल्यू बचेगी मेरे पास माइनस का 2 और नीचे में से मेरे पास वैल्यू हो जाएगी 7, तो इसका जो मेरे पास आंसर रहेगा भाई वो कितना हो जाएगा मेरे पास, दैट इज 104 का ऑप्शन नंबर 2। तो मैंने आपको पूरा समझा दिया कि कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरा क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द आई लेंस फ्रॉम द रेटिना कितनी देर की भाई अल्फा, तो फॉर नॉर्मल आई के लिए आपको बताना है कि मैक्सिमम फोकल लेंथ आई लेंस की कितनी होगी। तो अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट भाई 105 क्वेश्चन में, ह्यूमन आई के अंदर हम लोग पढ़ते हैं भाई हमारी जो आंख है वो एज ए कन्वेक्स लेंस की तरह काम करती है, और हमारी जो इमेज बनती है भाई वो हमारी लाइट सेंसिटिव जो रेटिना के ऊपर बनती है। ठीक है, और हमारी आंखों की सबसे अच्छी क्या है भाई, दैट इज पावर ऑफ अकोमोडेशन हम डिफाइन करते हैं, यानी कि ह्यूमन आई का जो अपना जो लेंस है भाई वो क्या है, अपनी फोकल लेंथ को घटाया बढ़ा सकता है कोई चीज जब दूर है या फिर पास में है उस कंडीशन में। तो इन्होंने बोला है कि लेंस और रेटिना के बीच में इन्होंने जो वैल्यू डिफाइन कर रखी है भाई वो कितनी डिफाइन कर रखी है, अल्फा। तो आपको बताना है कि मैक्सिमम यहाँ पे जो फोकल लेंथ है वो कितनी हो सकती है ह्यूमन आई की नॉर्मल कंडीशन की फॉर्म में। तो देखो भाई यहाँ पे क्या, जब हमारा ऑब्जेक्ट पास या कम होता है तो जो ह्यूमन आई की जो फोकल लेंथ कम या ज्यादा हो सकती है, बट मैक्सिमम हमारी फोकल लेंथ कितनी रहेगी, तो उसके लिए हम नॉर्मल कंडीशन डिफाइन करेंगे, यानी कि भाई ऑब्जेक्ट हमारा ये यानी कि कन्वेक्स लेंस हमारा ये बन गया और हमारी लाइट से भाई इमेज हमारी यहाँ स्क्रीन के ऊपर बन रही है, इट मीन्स जो मेरे पास यहाँ पे वी की वैल्यू उन्होंने डिफाइन कर रखी है वो अल्फा पे बनेगी।
अब अगर नॉर्मल कंडीशन हम केस डिफाइन करते हैं भाई, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट बनेगा मैक्सिमम हमारा क्या है, इनफाइनाइट कंडीशन पे हो सकता है। अगर यू मेरा यहाँ पे अगर इनफाइनाइट पोजीशन पे है, तो ये हमारी इमेज कहाँ बनती है, फोकस यानी कि रेटिना के ऊपर बनेगी। तो यानी कि अगर यू मेरे पास अगर मैक्सिमम कंडीशन निकालनी है, अगर यू इनफाइनाइट पे है, तो वी मेरा यहाँ पे कहाँ बनेगा, अल्फा पे बनेगा। तो अकॉर्डिंग टू हम यहाँ पे जब लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज 1/f = 1 - दिस, तो यहाँ से मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी भाई, 1/∞ × अल्फा। तो यानी कि 1/focal length की जो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी भाई मैक्सिमम, वो कितनी रहने वाली है, अल्फा ही रहने वाली है। तो यहाँ से मेरे पास जो इसका आंसर बनेगा भाई, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड, ये मेरा यहाँ पे कंसेप्ट बनेगा, उससे हमारा कम ही वैल्यू रहेगी फिर भाई, ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा यहाँ पे क्या बनेगा भाई, 1 MHz साइनोसोइडल कैरियर वेव इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बाई ए सिमेट्रिकल स्क्वेयर वेव ऑफ पीरियड दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी विल नॉट बी प्रेजेंट इन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो बेसिकली ये जो हमारा क्वेश्चन है भाई 106, एक मिनट भाई इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ। तो जो मेरा 106 यहाँ पे क्वेश्चन है, वो मेरा बेसिकली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड के ऊपर है। तो हम लोगों ने सिंपल थ्योरी क्या पढ़ी हुई अपने उसमें लेक्चर में, कि लेट्स अगर मेरे पास कोई भी अगर एक मॉड्यूलेटिंग मतलब वेव है, ठीक है, जिसकी अगर हम सिंपल दिखाएंगे, लेट्स से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं भाई, दैट इज एम नॉट इज इक्वल टू, क्या कंडीशन डिफाइन करेंगे भाई यहाँ पे, एक मिनट चाहिए। अगर लेट्स से अगर भाई इसका अगर एम्पलीट्यूड का वैल्यू अगर हमें दे रखी, दैट इज ए एम डिफाइन करते हैं, तो ए एम दैट इज साइन ओमेगा एम टी फॉर्म में लेते हैं, और जब हम इसको भाई सुपर इम्पोज करवाते हैं किसी भी कैरियर वेव से, जो हाई फ्रीक्वेंसी वेव है, लेट्स से सी टी की कंडीशन में, तो वहां से उसको हम डिफाइन करते हैं, दैट इज ए सी साइन ओमेगा सी इंटू में टी। तो जब हम दोनों को आपस में सुपर इम्पोज करते हैं भाई, तो हमें कुछ इस तरीके का वेव फंक्शन मिलता है भाई, इस तरीके से हमारा एनवेलप बनता है एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन में। तो जब हम इसका फाइनल एक्सप्रेशन निकालते हैं भाई, जब हमारी मॉडुलेटिंग वेव और जब कैरियर वेव आपस में सुपर इम्पोज करती हैं, तो वहां से मेरे पास जो एक्सप्रेशन निकलता है, दैट इज ए सी, ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी भाई कैरियर वेव की, प्लस मेरे पास वैल्यू बनती है दैट इज ए सी, ये मेरा मॉडुलेटिंग फैक्टर आता है, दैट इज 2 cos ωc - ωm × t, प्लस एक में ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे प्लस की वैल्यू, यानी कि अगले जो लिखेंगे दैट इज ए सी एम अपॉन 2 cos ωc + ωm। तो आपको मैंने आपको ये चीज़ क्यों बताई है भाई, क्योंकि तो देखो जब हमारी मॉडुलेटिंग वेव कैरियर वेव पे सुपर इम्पोज करती है, तो यहाँ पे तीन फ्रीक्वेंसी मिलती है ओमेगा, कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी, एक में मेरे पास ये ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम मिलती है, और एक में प्लस मिलती है। तो यहाँ पे मेरे पास ये साइनोसोइडल फॉर्म में है, बट हमारे जो क्वेश्चन में दे रखा है हम उसकी बात करेंगे, ताकि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो। अब इन्होंने जो यहाँ पे वेव डिफाइन कर रखी है भाई, वो साइनोसोइडल फॉर्म में नहीं है, वो हमारी क्या है स्केयर फॉर्म में डिफाइन कर रखी है। तो स्केयर वेव के लिए जो हमारे पास फंक्शन होता है, दैट इज एम टी वाला, ठीक है, यहाँ पे जो इन्होंने कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर रखी है क्वेश्चन में, वो कितनी डिफाइन कर रखी है भाई, दैट इज 1 MHz की। तो यहाँ से मेरे पास इसको मैं लिख सकता हूँ भाई, दैट इज 10³ kHz, या फिर डिफाइन कर सकता हूँ भाई जो कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे यूज करेंगे एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन के लिए, वो कितनी है भाई 1000 kHz, ठीक है। तो मॉडुलेटिंग स्क्वेयर वेव के लिए जो मेरे पास फंक्शन रहता है, उसकी वैल्यू रहती है भाई एग्जैक्ट, दैट इज 4/πn = 1 × (4)(n-1)/(2n-1), दैट इज cos 2πf, दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडुलेटिंग वेव स्क्वेयर वेव की, एंड 2n-1। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग मेरे पास क्या बनता है। अगर हम लोग यहाँ पे सुपर इम्पोज करवाते हैं कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी, जिस इस फॉर्म में लिखा हुआ है, दैट इज सी टी, तो यहाँ से मेरे पास इसकी क्या वैल्यू बनेगी भाई, कोई भी इसका एम्पलीट्यूड रहेगा, और वो मेरे पास हो जाएगी दैट इज साइन 2πfct की कंडीशन रहेगी। यहाँ पे जब हम इन दोनों को आपस में यहाँ पे कंबाइन करवाते हैं भाई, तो मेरे पास जो यहाँ पे इसका फंक्शन बनता है रिजल्टेंट, उसकी वैल्यू आएगी मेरे पास दैट इज 4/πn = (n-1)(2n-1)/(2n-1)। मतलब फाइनल एक्सप्रेशन करने के बाद जो मेरे पास इनकी वैल्यू निकल के आएगी भाई, दैट इज 2n-1, और साथ में हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे भाई यहाँ पे किसके साथ, दैट इज साइन
टू पाई फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है भाई, 1000 इंटू में 10, यानी कि 10 की पावर 6 दे रखी है हमें, तो यानी कि भाई 10 की पावर 6 लिख लेंगे यहाँ पे, दैट इज 10 की पावर 6 इंटू में टी, यानी कि ये मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन निकल के आएगा भाई, जब स्क्वेयर वेव हम सुपर इम्पोज करवाते हैं कैरियर वेव के साथ में, ये वाला एक्सप्रेशन। अब मैं आपको यहाँ से क्या चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हमारी स्क्वेयर वेव सुपर इम्पोज करती है तो यहाँ पे जो मेरे पास रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी ना, फ्रीक्वेंसी जो कंपोनेंट निकलेगी यहाँ से, वो निकल के आएंगे जो मेरे पास कैरियर वेव की है 10 की पावर 6 प्लस माइनस एफ एम 2n माइनस का 1। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट बात है भाई, है ना, पूरी चीज समझाने के लिए मैंने ये की है, यानी कि ये मेरे पास क्या है भाई, स्क्वेयर वेव जो है मॉड्यूलेटिंग वेव उसकी फ्रीक्वेंसी है बट 2n-1, यानी कि यहाँ पे जो मैं हार्मोनिक मिलेंगे ना, देयर इज n की वैल्यू 1, 2, 3 रहेगी, तो यहाँ पे 1, 3, 5, यानी कि जब हम स्क्वेयर वेव को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट करवाते हैं तो मेरे पास सिर्फ ओड हार्मोनिक प्रेजेंट रहेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं पे एफ एम की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और एन की वैल्यू पुट करते रहेंगे तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा भाई। तो लेट्स अगर एफ अगर हम यहाँ पे मैं एन की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो 10 की पावर 6 प्लस माइनस अगर एन की वैल्यू मैंने पुट की है तो ये एफ एम हो जाएगा भाई पहला तो चीज़। अगर हम एन की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो इस कंडीशन में मेरे पास 2 x 3 यानी कि 10 की पावर 6 प्लस माइनस 3 fm हो जाएगा। उसी तरीके से भाई 10 की पावर 6 प्लस माइनस 5 fm, ये मेरे पास कंडीशन रहेगी। अब यहाँ पे सबसे पहले हम एफ एम की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे इन्होंने टाइम पीरियड की वैल्यू दे रखी है, जो टाइम पीरियड की वैल्यू उन्होंने डिफाइन कर रखी है यहाँ पे, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, दैट इज 100 माइक्रो सेकेंड है। तो अगर टाइम पीरियड हमारे पास 100 माइक्रो सेकेंड है तो यहाँ से मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी निकलेगी, दैट इज 1 अपॉन टाइम पीरियड फॉर्मूला होता है, यानी कि 1 अपॉन 100 इंटू में 10 की पावर -6 ये चला जाएगा ऊपर, तो 10 की पावर 6 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से जो मेरे पास मॉड्यूलेटिंग जो वेव है स्क्वेयर वेव, उसकी जो मेरे पास एफ एम की वैल्यू निकल के आई है वो कितनी हो जाएगी भाई यहाँ पे, दैट इज 10 की पावर 4 हर्ट्स। और इसको मैं लिख सकता हूँ भाई अकॉर्डिंग इन द फॉर्म ऑफ जो हमारी फ्रीक्वेंसी वेव की कैरियर है, दैट इज 10,000 हर्ट्स, दैट इज 10 kHz हो जाएगी मेरे पास। और मैं 10 की पावर 6 को यहाँ पे बना लेता हूँ भाई, दैट इज 100 kHz के फॉर्म में, तो यानी कि 1000 kHz मेरे पास ये वाली वैल्यू है। अब हमारे पास एफ एम की वैल्यू अगर फर्स्ट कंडीशन निकालेंगे तो प्लस माइनस हमें करनी है यहाँ पे, दैट इज 10 kHz, ये मेरे पास वैल्यू हो जाएगी। सेकंड कंडीशन निकालेंगे तो दैट इज 1000 kHz प्लस माइनस 3 इंटू में, तो ये जाएगा मेरे पास 30 kHz की कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास जो मैक्सिमम वैल्यू बनेगी तो बनेगी 1000, हमारी क्या बनेगी भाई 1010 kHz, या फिर बनेगी 990 kHz की फ्रीक्वेंसी, और यहाँ से बनेगी दैट इज 1030, या फिर बनेगी भाई 979 kHz की। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन भाई हमारे पास जो ये ऑप्शन नंबर, ये वाली भी मेरे पास कंडीशन बनेगी, ये भी कंडीशन बनेगी भाई, ये वाली भी कंडीशन बनेगी, सिर्फ ये वाली जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी है वो हमारी मॉड्यूलेटिंग सिंगल की नहीं होगी, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। तो ये मेरा मेनली कंसेप्ट है भाई। तो मैं आपको कोई भी जो टॉपिक है वो जो क्वेश्चन है वो ऊपर से नहीं करवा रहा हूँ, जो उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगी आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई हमारे यहाँ पे क्या है, टू स्टेटमेंट आर गिवन ब्लो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, तो आपको यहाँ पे बताना है भाई इनमें से कौन से वाला स्टेटमेंट ठीक है। तो बेसिकली ये जो हमारा क्वेश्चन है भाई ये मास्टर डिग्री में आता सिलेक्शन रूल के अंदर। तो हम सिंपल क्या पढ़ते हैं भाई कि लेट्स अगर कोई भी हमारे पास दो एनर्जी लेवल है, अगर अगर लेट्स अगर इंसिडेंट फोटोन अगर कोई इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे अगर स्ट्राइक करता है तो इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है भाई हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। अब हायर एनर्जी स्टेट से जब हमारा इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो यहाँ पे उसी फोटोन की हमारा क्या है फ्रीक्वेंसी से फोटोन हमारा एमिट हो जाता है। बट हम लोग वहाँ पे सीखते हैं कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तो कुछ हमारे पास ऐसी ट्रांजिशन होगी जिसकी प्रोबेबिलिटी होने की हाईली मतलब ज़्यादा होगी भाई, जिसकी प्रोबेबिलिटी जो है भाई वो ज़्यादा रहती है, उसको हम डिफाइन करते हैं दैट इज अलाउड स्टेट। और सेकंड में कईयों की भाई जो प्रोबेबिलिटी होती है ट्रांजिशन होने की वो कम होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज फॉरबिडन एनर्जी स्टेट। यानी कि भाई कुछ ऐसी स्टेट है जब हमारा इलेक्ट्रॉन अगर इस लेवल से अगर नीचे वाले लेवल पे आता है तो ईजिली हमारी वो ट्रांजिशन हो जाएगी, तो उसके लिए हमारे पास कुछ सिलेक्शन रूल है भाई जो हम लोग वहाँ पे पढ़ते हैं कि अगर ये हमारे रूल फुलफिलमेंट अगर हो रहे हैं तभी हमारा इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन उस स्टेट में हो सकती है। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर भाई हम डिफाइन करते हैं सबसे पहला रूल कि जो स्पिन क्वांटम का चेंज रहेगा वो रहेगा जीरो,
सेकेंड नंबर लोग डिफाइन करते हैं कि जो हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का चेंज वहां पे रहेगा वो प्लस माइनस वन होना चाहिए, इट मीन्स जीरो से जीरो की जो ट्रांजिशन है वो मेरे यहाँ पे क्या है सेटिस्फाई नहीं होगी। और थर्ड जो हम डिफाइन करते हैं भाई कि दोनों के बीच में जैसे जो डेल्टा एम एल एल है उसकी वैल्यू भी जीरो एंड प्लस माइनस वन होनी चाहिए। तो ये मेरे पास तीन सिलेक्शन रूल है भाई, किसी भी इलेक्ट्रॉन को जब वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो ये फुलफिलमेंट रहनी चाहिए। अब इसके बिहाफ पे हमें इनके कॉन्सेप्ट को डिफाइन करना है कि दो स्टेटमेंट हमें डिफाइन कर रखी है, द स्पेक्ट्रल लाइन इज मैक्सिमम इंटेंस कब होगी फॉर विच द चेंज इन द वैल्यू ऑफ एल एंड जे मेरे पास क्या रहेगी भाई मैक्सिमम कंडीशन में रहने वाली। ठीक है, तो डेल्टा एल और जो मेरा डेल्टा एम है भाई ये जे की फॉर्म में ही रहेगा हमारा। ठीक है, डेल्टा जे इज इक्वल टू जीरो प्लस माइनस वन डिफाइन कर सकते हैं, बट इसका क्या मीनिंग है वो हम लोग थ्योरी में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इस सिलेक्शन रूल के हिसाब से इन्होंने क्या बोला है कि स्पेक्ट्रल लाइन की है हमारी वो मैक्सिमम इंटेंसिटी की होगी कब, जब चेंज हमारा वैल्यू में एल एंड जेल में हमारा क्या है सेम टू सेम अगर हमारी ट्रांजिशन होती है, तो यानी कि ये जो मेरा ऑप्शन है भाई ऑप्शन नंबर मेरा ठीक रहेगा, यानी कि सेम टू सेम में अगर हम जाएंगे भाई कि लेट्स से वन टू वन में हमारा ट्रांजिशन हो रहा है स्टेट्स के अंदर, तो उस कंडीशन पे हमारा क्या है भाई मैक्सिमम इंटेंसिटी की लाइट हमें मिलेगी या फिर जो हमें फोटोन स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी वहां पे। इफ द चेंज इन द वैल्यू ऑफ एल एंड जे आर द सेम फॉर मोर देन वन स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देन दैट ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन इज मोस्ट इंटेंस फॉर विच ट्रांजिशन टेक प्लेस फ्रॉम हाईएस्ट वैल्यू, यानी कि हाईएस्ट वैल्यू यानी कि भाई लेट्स से कि हमारा जितना हायर एनर्जी स्टेट से हमारा इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ ट्रांजिशन करेगा तो उस कंडीशन में जो मेरे पास इंटेंसिटी वो ज्यादा होगी। तो यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे मेरे क्या है, इफ द चेंज इन द वैल्यू ऑफ एल एंड जे आर द सेम फॉर मोर देन वन, तो अगर मोर देन वन स्पेक्ट्रल लाइन है तो भाई उस कंडीशन पे जो स्पेक्ट्रल लाइन इज मोस्ट इंटेंस फॉर विच जिसकी जो ट्रांजिशन है हमारा हाइयर वैल्यू ऑफ जे से होगा, तो दोनों ही चीजें यहाँ पे ठीक रहेगी। तो 107 की जो स्टेटमेंट है दोनों के लिए ठीक है, तो ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई हमारे यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहे हैं, द मैक्सिमम प्रोबेबल डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द न्यूक्लियस इज इक्वल टू। अब देखो भाई इसका पूरा मतलब मास्टर में हम लोग डेरिवेशन करते हैं, ठीक है, लेकिन मैं एक बार आपको यहाँ पे इसका फॉर्मूला डिफाइन कर रहा हूँ। तो आपको क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछेगा भाई, या तो आपसे डिफाइन करता है कि इलेक्ट्रॉन की जो मतलब प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहाँ पे है भाई, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस सेंटर से, एक मिनट चाहिए, तो मोस्ट प्रोबेबल जो मेरे पास यहाँ पे डिस्टेंस रहेगी भाई इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन एटम के अंदर, और एक वो डिफाइन करेगा यहाँ पे दैट इज एवरेज डिस्टेंस कि इलेक्ट्रॉन की क्या रहेगी भाई उसके न्यूक्लियस से। तो यहाँ पे ये जो उसका वैल्यू आती है 108 का जो मेरे पास ऑप्शन है दैट इज दिस, तो ये मेरे पास जो वैल्यू रहेगी आर इज इक्वल टू ए नोट की कंडीशन रहती है। और अगर आपसे अगले पेपर में पूछ लेगी भाई एवरेज डिस्टेंस क्या है ना इलेक्ट्रॉन के केस में, उसकी वैल्यू रहती है मेरे पास दैट इज 3/2 इंटू में ए नोट। हालांकि इसका डेरिवेशन मैं आपको बता देता हूँ भाई कैसे करते हैं, लेकिन आपको इतना डिटेल में करने की चीजें जरूरत नहीं है। तो वहां पे जो मेरे पास भाई ग्राउंड स्टेट फंक्शन रहता है हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है, उसकी वैल्यू मेरे पास रहती है दैट इज साई आर इज इक्वल टू 1/√π a0³ ई की पावर आर अपॉन ए नोट। यहाँ पे जो मेरा ए नोट है भाई वो हमारी बोर रेडियस को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे, दैट इज 0.53 एंगस्ट्रॉम जो रहती है। ठीक है, जब हम लोग यहाँ पे भाई क्या है एक्सप्रेशन निकालते हैं कि इलेक्ट्रॉन की फाइंड आउट की जो प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का जो मेरे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन निकलता है भाई, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ कि 4π/π/3 और जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं 0 to ∞ आर स्केल e की पावर माइनस का 2r/a0 dr, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे उसके बाद भाई क्या है मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का हम डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, उसको जीरो पुट करेंगे तो सोल्व करने के बाद जो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू बचेगी भाई, ठीक है, वो मेरे पास जो वैल्यू आएगी उसकी कंडीशन में आर की वैल्यू निकल के आएगी आर नोट। तो ये जो मेरे पास कंडीशन आती है दैट इज मोस्ट प्रोबेबिलिटी डिस्टेंस। ठीक है, अगर हम सेम वैल्यू निकालते हैं भाई एवरेज डिस्टेंस के लिए, तो एवरेज डिस्टेंस निकालने का जो मेरे पास सेम कंडीशन पे भाई इसका डेरिवेटिव करना है हमें दैट इज आर डीपी, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी ऊपर निकाल के डेंसिटी उसका डेरिवेटिव के साथ में इनटू में डीआर, इसको सोल्व करते हैं भाई, इसको सोल्व करने के बाद दैट इज 4/a0³ 0 to ∞ की कंडीशन बैठेगी आर की पावर 3 ई माइनस का 2r/a0 dr। हालांकि भाई देखो मैंने डायरेक्ट ये उठाए हैं वहां से कि कैसे कैसे करना है, तो जब हम इसको सोल्व आउट करते हैं तो जो मेरे पास एवरेज
डिस्टेंस निकलती है इलेक्ट्रॉन की फ्रॉम द न्यूक्लियस वो हमारी किसके बराबर आती है भाई यहाँ पे, दैट इज 3/2 में ई नोट। तो आपको इतना डिटेल में करने की इसकी जरूरत नहीं है, आपको नेक्स्ट टाइम के लिए फॉर्मूला ध्यान में रखना है भाई, ठीक है। तो ये आपको दोनों फॉर्मूले ध्यान में रखने, तो इसका जो ऑप्शन देगा मेरा तो दैट इज ऑप्शन नंबर हमारा कितना रहेगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा पे क्या है, ए प्रिंटेड पेज इज केप्ट प्रेस्ड बाई ए ग्लास क्यूब जिसका भाई क्या है 0.5 इन्होंने डिफाइन कर रखा है, ठीक है। ऑफ द एज कितना दे रखा है, दैट इज 9.0 सेंटीमीटर, बाई व्हाट अमाउंट विल द प्रिंटेड लेटर विल बी, यानी कि ये जो हमारा क्वेश्चन है भाई ये हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे बेस्ड है, तो हम लोगों ने पढ़ा है वहां पे एक फॉर्मूला तो हम डिफाइन करते हैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के लिए, वो मेरा किसके बराबर रहता है, दैट इज अपेरेंट डेप्थ डिवाइड बाई मेरा कितना रहता है भाई रियल डेप्थ की फॉर्म में रहता है। और दूसरा जो मेरे पास फॉर्मूला रहता है भाई कि जो हमारा अपेरेंट शिफ्ट कितना होगा वहां पे, कि लेट से डी इज इक्वल टू एच माइनस का 1/n की कंडीशन रहती है, आई थिंक ये मैं उल्टा लिख गया भाई, रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ आएगा, ठीक है। इसको एक बार देख लेना एक बार आप भी, रियल डेप्थ दैट इज डिवाइड बाई अपेरेंट डेप्थ का रहता है। तो यहाँ से इसकी h की वैल्यू जो उन्होंने डिफाइन कर रखी है दैट इज 9.0 सेंटीमीटर है, और जो ग्लास ट्यूब है भाई जो उसके ऊपर हमें रखी हुई है प्रिंटेड पेज के ऊपर, उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.5, तो यानी कि पेज जो हमें वो कितने ऊपर उठे हुए दिखाई देंगे यहाँ पे, तो d की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, दैट इज 9.0 वन माइनस का कितना जाएगा भाई 1.5, यानी कि दिस कंडीशन में लिखेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी भाई दैट इज 2/3, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगी 1/3 की वैल्यू दैट इज 3 सेंटीमीटर, यानी कि भाई वो क्या है हमें 3 सेंटीमीटर ऊपर उठी हुई दिखाई देगी जो उसकी अपेरेंट डेप्थ रहेगी वहाँ पे इस हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा भी क्या बनेगा भाई, कि ए वेजल कंटेन ऑयल मरकरी द डेंसिटी ऑफ ऑयल एंड द मरकरी आर, इन्होंने डिफाइन कर रखा है ए होमोजीनियस स्फीयर हमारे यहाँ पे दे रखा है, एक मिनट जाइए भाई, ए होमोजीनियस स्फीयर फ्लोट इन दिस वेजल विद हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम इमर्ज इन द मरकरी। तो आपको यहाँ पे क्या वैल्यू बतानी है इसकी, द डेंसिटी ऑफ मेटेरियल इन दिस स्फीयर, तो यानी कि कंडीशन क्या दे रखा है, मेरे पास एक वेजल है उसके उसके ऊपर क्या है भाई, लेट्स से हमारा इंटरफेस है कि नीचे हमारे यहाँ पे ऑयल दे रखा है और उसके ऊपर हमारे यहाँ पे क्या है मरकरी है, ठीक है, ऑयल ओवर मरकरी, ये मेरे पास कंडीशन नहीं भाई उल्टा लिख गया मैं, एंड वेजल कंटेन ऑयल ओवर मरकरी, यानी कि नीचे इन्होंने डिफाइन कर रखा दैट इज मरकरी और इसके ऊपर भाई हमारा क्या है डेंसिटी के हिसाब से भी ऊपर ही आएगा भाई, ठीक है। तो इन्होंने बोला है द डेंसिटी ऑफ ऑयल, जो डेंसिटी ऑफ ऑयल उन्होंने डिफाइन कर रखी है वो कितनी दे रखी है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, और मरकरी की उन्होंने डिफाइन कर रखी है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। ये होमोजीनियस स्फीयर है जो हमारा फ्लोट कर रहा है इन दिस वेजल विद हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम इमर्ज इन मरकरी एंड हाफ, यानी कि इसके सेंटर में हमारे पास एक ये होमोजीनियस स्फीयर है भाई जो आधा आधा डूबा हुआ है ऑयल में और आधा हमारा डूबा हुआ है किसके अंदर मरकरी में। तो आपको हमें क्या बताना है भाई, दैट इज डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ स्फीयर। तो बेसिकली देखो इसको हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, क्योंकि इसके ऊपर जो बाय एंड फोर्स अप्लाई हो रही है, तो जो जो मेरे पास यहाँ पे होमोजीनियस स्फीयर है इसका अगर हम लोग यहाँ पे मास निकालेंगे भाई इन द फॉर्म ऑफ डेंसिटी, तो वो कितना लिख रहेगा, दैट इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू मेजी, तो ये मेरे पास हो जाएगा दैट इज 4/3 पाई आर, लेट्स से इसकी अगर रेडियस अगर मैं आर लेके चला हूं दैट इज 4/3 इंटू में दिस जी, ये मेरे पास इसका वेट है जो नीचे लग रहा है। अब ऑयल और मरकरी की वजह से जो इसके ऊपर बाइंड फोर्स लग रही है उसकी वैल्यू कितनी है, अब थ्रस्ट की वैल्यू अगर हम यहाँ पे निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है, यानी कि जो बाइंड फोर्स की वैल्यू निकल के आएगी, तो भाई हाफ ये हमारा मरकरी में है और हाफ इसकी वॉल्यूम लेंगे किस में, मरकरी के ऑयल के अंदर। तो यहाँ से मेरे पास कितनी वैल्यू निकल के आएगी भाई हाफ वॉल्यूम के लिए, दैट इज √V/2 इंटू में जी। तो यहाँ पे एक बार हम डिफाइन करेंगे ऑयल के लिए प्लस एक डेंसिटी हम डिफाइन करेंगे किसके लिए भाई, मरकरी के लिए, दैट इज V/2, यानी कि ये हमारी बाय एंड फोर्स दोनों की वजह से अप्लाई हो रही है। इन दोनों को बराबर पुट करके अपनी वैल्यू को हम क्या है सोल्व आउट कर लेंगे यहाँ से, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट चाहिए। आई थिंक नीचे चला गया। तो इस कंडीशन में देखिए अगर हम डायरेक्ट अभी अगर हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो सोल्व कैसे करेंगे भाई, दैट इज रो, यानी कि डेंसिटी हम यहाँ पे जो इसकी वैल्यू हम जो निकाल रहे हैं भाई स्फीयर की, इसको मैं एक मिनट इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 4 बाई
थ्री पाई आर क्यूब इंटू में जी, इसको मैं इसके बराबर पुट कर लूंगा भाई, दैट इज रो वी अपॉन टू इंटू में जी प्लस रो, ये हमारा मरकरी का निकलेगा, दैट इज वी अपॉन टी इंटू में जी। अगर मैं इसको भी वी ले लेता हूँ भाई यहाँ पे, इस तरीके से चीज बन जाएगी, तो मेरा जी से जी हमारा हर जगह कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास जो डेंसिटी निकल के आएगी भाई सॉलिड की इंटू में जो मेरा यहाँ पे वी, तो यानी कि वी मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास कितनी वैल्यू बनेगी, दोनों को ऐड कर लेंगे, दैट इज डेंसिटी ऑफ ऑयल प्लस डेंसिटी ऑफ मरकरी डिवाइड बाई टू की कंडीशन आ जाएगी, जी से जी भी कैंसिल आउट हो जाएगा और वी जो मेरा आपके कॉमन आया वो भी चीज कैंसिल आउट हो जाएगी। तो एलसीएम लेंगे तो मेरे पास ये कंडीशन बनेगी, ऑयल की डेंसिटी 0.8 है और मरकरी की 0.13.6 डिवाइड बाई टू। तो सोल्व करेंगे तो यहाँ से जो इसका मेरा आंसर निकल के आएगा अभी, दैट इज 7. कितना आएगा, इसको सोल्व करने के बाद 7.2 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और है भाई हमारे इस जो भी स्पीडियम में, इफ द रिलैक्सेशन टाइम ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर इज 50 सेकेंड, तो आपको बताना है द टाइम इन विच द एनर्जी फॉल टू 1/e^4 टाइम विल इनिशियल वैल्यू। तो बेसिकली भाई मैं आपको अभी ऊपर ही डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की थ्योरी समझा के आया हूँ, तो वहां पे हम लोगों ने एनर्जी का जो एक्सप्रेशन निकाला वो निकाला है, दैट इज ई नोट e^-2γt की फॉर्म में निकाला है। तो वहां पे उन्होंने बोला है कि हमें उस टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जब उस पे जो उसकी एनर्जी है भाई उसकी इनिशियल से e^4 टाइम कम हो जाएगी, तो इस कंडीशन में दैट इज ई नोट e^-2γt, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, e^-4 जहाँ पे मेरे पास वैल्यू आएगी वो किसके बराबर निकल के आएगी, दैट इज e^-2γt। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे भाई, दैट इज 2γt की जो मेरे पास वैल्यू आई है भाई वो मेरी किसके बराबर आ गई है, यहाँ पे 4 के बराबर आ गई, तो ऐसे मेरे पास 2γ की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 4/t। तो ये आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, और ऊपर हम लोग फॉर्मूला निकाल के आए थे कि जो मेरे पास रिलैक्सेशन टाइम का और गामा के बीच में रिलेशन होता है, दैट इज 1/2γ की फॉर्म में रहता है, तो यहाँ पे हम इस 2γ की वैल्यू को पुट करेंगे और अपना आंसर सोल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू जाएगी, दैट इज 4/t की कंडीशन। तो टाइम कितना निकल जाएगा मेरे पास, दैट इज 4 में टाउ रिलैक्सेशन टाइम। अब रिलैक्सेशन टाइम उन्होंने कितना डिफाइन कर रखा है, यहाँ पे 50 दे रखा है भाई, 50 सेकंड, तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू कितनी जाएगी भाई, 200 सेकंड। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा मेरे पास, दैट इज ऑप्शन नंबर ये जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही क्वेश्चन है भाई, ठीक है, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।